भी मैं आपके सामने बिल्कुल एक नई वीडियो लेके हाजिर हो गई हूँ, लेकिन आज भी मैं कोई ब्लॉग नहीं लाई हूँ। आज मैं लाई हूँ डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ही सोच रही थी कि मैं क्या कंटेंट क्रिएट करूँ। उसके बाद मुझे सडनली ख्याल आया कि नहीं, मैंने कभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ वीडियो बनाया नहीं है, तो आज मैं डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ जो बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस,
से ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं एक बार आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ट्रे रखा है, एकदम सिंपल फाइबर की ट्रे है। मेरे पास वुडन ट्रे फिलहाल नहीं है, लेकिन आप वुडन ट्रे की ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक पेप्सी का टिशू होल्डर रखा है, ये काफ़ी पुरानी है, मेरी मदर इन्लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स रखा है, ये कुछ काजू और आलमंड्स। गाइस ये हनी का डब्बा है, हनी का बॉटल है सॉरी, और इसमें मैंने हनी जब ख़त्म हो गया था इसको वॉश करके मैंने इसी में रखा है, क्योंकि ये ग्लास की है इसीलिए। और देखिए ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद चलती हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे दो छोटे छोटे जो बॉटल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली ब्लैक पेपर और सॉल्ट के लिए है। ये ला ओपला के सेट के साथ मुझे यह गिफ्ट मिली थी, तो यहाँ पे मैंने रखा है। और ये है स्पून स्टैंड, क्योंकि इतने दिन फेस्टिवल चल रहा था, हम लोग अपने हिसाब से डेकोरेट कर रहे थे, काफ़ी क्लटर भी हो गया था। लेकिन अभी मेरे बेटे के स्कूल खुलने वाली है, इंस्टेंट कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे मैंने स्पून स्टैंड रखा है। यहाँ पे फोक स्पून सारा कुछ यहीं पे है। और यहाँ पे एक बास्केट पे मैंने एक बॉटल में, ग्लास की बॉटल में मैंने मनी प्लांट रखा है। देखिए गाइस ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, और मैं बिल्कुल इसको धूप में नहीं रखती हूँ, मैं यहीं पे रखती हूँ। सिर्फ वीकली या मंथली मैं इसका पानी चेंज करते रहती हूँ। और इसके पत्तों में शाइनिंग देखिए गाइस, कितने ग्रीन, डार्क ग्रीन की तरह पत्ते हैं इसके। और यहाँ पे हालांकि डाइनिंग टेबल में इतनी चीज़ें से क्लटर होते हैं, लेकिन मैंने इस तरह के बास्केट में रखा है गाइस। ये काफ़ी स्टर्डी है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। इसमें मैंने जो भी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें रखी है, क्योंकि मॉर्निंग में ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मेरे बेटे का स्कूल का बॉटल, यहाँ पे मैंने जितने भी पानी के बॉटल्स रख दिया है, यहाँ पे च्यवनप्राश है, यहाँ पे सॉस, यहाँ पे जैम, और यहाँ पे मैंने मेयोनीज रखा है, क्योंकि सैंडविच वगैरह में भी ज़रूरत पड़ती है। और ये अचार, छोटी छोटी सी बॉटल है इसलिए अंदर छुप जा रही है। और यहाँ पे मैंने दो कोस्टर रखा हुआ है, जो चाय पीते वक्त ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो चाय के नीचे कहीं भी रखो तो स्पॉट हो जाती है। तो गाइस यही है मेरा ऑर्गेनाइजेशन, आप देख लीजिए। ये कवर बिछाने के बाद डाइनिंग टेबल का लुक ही